गाइस वेलकम टू मोटो मोहाली यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज का ये वाला वीडियो ना मैं क्या बताऊं, मेरे इस चैनल का मुझे लगता है सबसे बेस्ट आपको स्क्रैम्बलर आज देखने मिलने वाला है। और ये जो बाइक बनाई ये इंडिया में नहीं बनी, ये बेसिकली बाहर में बनाया है। और ये जो बाइक है ये एक 150cc बाइक है जिसका नाम है होंडा कार्गो 150cc। और उसका आप लोग कस्टमाइजेशन लेवल देखिए, मतलब आपका दिमाग क्या बताऊं, आप लोग इस वीडियो को देखना बहुत मजा आएगा। और इस बाइक को मॉडिफाई किया अस पर कस्टम ने, बहुत अल्टीमेट मॉडिफिकेशन, काफी सॉलिड मॉडिफिकेशन है और एंजॉय करेंगे। तो प्लीज हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो और प्लीज वीडियो को शेयर करो और मोटो माल को भी आप लोग प्लीज आगे लेके जाओ। और चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं और मैं आपको इस बाइक के बारे में और जानकारी देता हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज ये देखिए, ये है इसके ओरिजिनल बाइक, कितनी सिंपल कितनी नॉर्मल सी दिखने वाली बाइक है। और ये जो वर्जन देख रहे हैं ये है इसका एक मॉडिफाइड वर्जन। तो आप लोग को समझ में डेफिनेटली आ गया होगा कि इस बाइक में कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है और क्या वर्क किया है अस पर कस्टम ने इस बाइक में। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर इस बाइक को एक स्क्रैम्बलर स्टाइल का लुक दिया है। और आप लोग देख सकते हैं इसके जो टायर्स है कितने ज़्यादा वाइड हैं, इसका जो सस्पेंशन सेटअप है सारा कुछ यहाँ पर चेंज किया, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के बारे में। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक स्क्रैम्बलर स्टाइल की बाइक है, तो डेफिनेटली इसके जो टायर्स हैं ये आपको ऑफ रोडिंग या डुअल स्पोर्ट्स के टायर देखने मिलेंगे। और यहाँ पे जो इस बाइक का जो मेन हाईलाइट है वो इसके बड़े बड़े टायर्स हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जो इसके टायर्स हैं काफ़ी मोटे हैं, साइड प्रोफाइल से देखिए कितना ज़्यादा साइड प्रोफाइल से मोटे हैं और काफ़ी हैवी ड्यूटी टायर्स हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को इस तरह के टायर्स की परचेज करें तो इन टायर्स की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम इसके टायर्स आप इसका फ्यूल टैंक डिजाइन देख सकते हैं। इसका जो फ्यूल टैंक है उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया है, ये किसी दूसरी बाइक का फ्यूल टैंक यहाँ पे यूज़ किया है जो इस स्क्रैम्बलर को बहुत अल्टीमेट लुक दे रहा है। इस बाइक का जो सिर्फ इंजन है वही यहाँ पे स्टॉक है और उसके अलावा लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। जैसे कि आप इसका पीछे का सस्पेंशन सेटअप देखिए, पीछे में अब इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप का इस्तेमाल किया गया, जो कि आपको ओरिजिनल बाइक में आपको ट्विन सस्पेंशन सेटअप था पर इसमें आपको मोनोशॉक का यूज़ किया गया है। इतना फैट टायर लगाने के लिए पीछे का जो स्विंग आर्म सेटअप है उसको भी यहाँ पर चेंज किया गया है। और आप लोग पीछे में देख सकते हैं किस तरह से इसका जो टायर का लुक है काफ़ी हैवी है, काफ़ी बहुत ही बड़ा है। तो जो इसका रिम साइज़ है रिम्स भी यहाँ पे चेंज किए गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैट टायर लगाने के लिए रिम्स का भी चेंज करना है। तो यहाँ पे रिम्स हो गए, टायर्स हो गए, पीछे का सस्पेंशन सेटअप, स्विंग आर्म, सब कुछ यहाँ पे चेंज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग इसके बाइक का कलर, इंजन का कलर देखिए, वो यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैकआउट है। और जो प्राइमरी कलर इस बाइक का वो है इसका फ्यूल टैंक देखिए किस तरह से रेड है, और सेम टू सेम कलर का इसका जो पीछे का सस्पेंशन है उसको कलर किया गया, बाकी टोटली कंपोनेंट यहाँ पे ब्लैक कलर से ही पेंटेड किया गया है। इस बाइक का एक और मेन हाईलाइट है जो इसके टायर्स पर स्क्रैम्बलर लिखा हुआ है, ये आप लोग देखिए, ये आप लोग अगर अपनी बाइक में कराएंगे तो डेफिनेटली आपकी बाइक का लुक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट यहाँ पे हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो पीछे का जो फ्रेम सेट है वो टोटली रीकस्टमाइज़ किया गया, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पीछे का जो फ्रेम डिज़ाइनिंग है ये काफ़ी खूबसूरती तरीके से किया गया। और यहाँ पे डबल सीटर है ये बाइक, और देख सकते हैं जो टोटली रीडिज़ाइन किया गया फ्रेम को वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने में लग रहा है। आप लोग एक चीज़ हाईलाइट देख रहे हैं, जो पीछे का जो सबसे टेल वाला पोर्शन वो थोड़ा सा लिफ्ट किया गया है, क्योंकि इतना हैवी टायर है और आपके ये सीट से टकराया नहीं करके इसका थोड़ा सा फ्रेम यहाँ पर लिफ्ट किया गया है। और आप लोग मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप का भी प्लेसमेंट देख सकते हैं किस तरह से जस्ट सीट के यहाँ पे नीचे किया गया है। फ्रंट पोर्शन में देखिए यहाँ पे कोई भी फेंडर वगैरह नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये बेसिकली टायर्स की प्रोफाइल दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे फेंडर लगा देंगे तो इसका जो लुक है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग जो सीट और इसका फ्यूल टैंक है जो प्लेसमेंट देखिए किस तरह से जो अलाइनमेंट है वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। और इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क मुझे लगता नहीं कि मेरे चैनल में कभी भी आप सभी लोग ने देखा होगा। और ये मेरे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट स्क्रैम्बलर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। उसके अलावा आप लोग इसका हैंडल बार देखिए, हैंडल बार का जो डिज़ाइन है काफ़ी वाइड हैंडल बार, और यूजली हर स्क्रैम्बलर और ट्रैकर में आपको इसी तरह का हैंडल बार देखने मिलता है। और उसके स्पीडोमीटर कंसोल भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक आफ्टर मार्केट स्पीडोमीटर कंसोल यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके अलावा पीछे का जो आप लोग इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम देख रहे हैं वो SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया है, और ये भी एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी इसका साउंड भी ज़्यादा अच्छा है। अगर दोस्तों आप सभी को इसका साउंड सुने तो मैं इसका जो एग्जॉस्ट वाला वीडियो वो अपने इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूँगा, मेरी इंस्टाग्राम ID है, मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप लोग डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं और भी ज़्यादा अच्छे से कंटेंट वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। फ्रंट की आप लोग हेडलाइट देखिए, ये आपकी नॉर्मल हेडलाइट मिल जाएगी। इस हेडलाइट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके अंदर आपको नॉर्मल DRLs देखने मिलते हैं और काफ़ी
सारे इस बाइक में आपको आफ्टर मार्केट एसेसरीज वगैरह भी देखने मिला, जैसे इसका एग्जॉस्ट रैप देखिए, इसका जो आप लोग किक वाला देखिए, किक में भी कितने अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, और स्पेशली इसका हैंडल बार की एसेसरीज देखिए, जो बार एंड लाइट्स हैं, इसका जो मिरर्स हैं, पीछे की टेल लैंप है, ये सारे के सारे आपको आफ्टर मार्केट एसेसरीज, और ये आप हर एक बाइक में डेफिनेटली लगा सकते हैं। मैं आप सभी लोग को बोलूँगा यार, अगर आप लोग कोई बाइक कस्टमाइज़ करो तो डेफिनेटली आप लोग इस बाइक से तो आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आप सभी को डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत बाइक है। और मैं आप सभी लोग को चाहता हूँ यार, प्लीज़ इस तरह से आप लोग सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्क्रैम्बलर बाइक है। देखा कैसा लगा आपको मॉडिफिकेशन, है ना, काफी अल्टीमेट, स्पेशली जो उसके टायर्स थे, मतलब अनबिलीवेबल वर्क किया है। एक नॉर्मल सी कार्गो 150 cc बाइक है और उसको इतना खूबसूरत, इतनी स्टाइलिश, इतनी हैवी ड्यूटी बाइक बना दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैं आप सभी से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट सेक्शन आप सभी लोग ओपन है, आप लोग अपने कमेंट राय देना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको ये वाले मॉडिफिकेशन। और अगर आप इस बाइक को रेट करना चाहते हैं तो आप 10 में से इस बाइक को कितनी रेटिंग देते हैं आप सभी लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर, और प्लीज यार वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो यार, लाइक आप लोग नहीं कर दो पर कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो डालना बंद नहीं करने वाला, आप सभी लोग बस लाइक करते रहो, सपोर्ट करते रहो। आपको इसी तरह से मैं और भी एक से कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियोस आप सभी को दिखाते रहूंगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको इससे भी ज्यादा अच्छे मॉडिफिकेशन, बजाज पल्सर हो गया, रॉयल एनफील्ड, जितने भी टाइप के मॉडिफिकेशन आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पे देखने मिलेगा। आप बस एक बार मेरे चैनल को जाकर विजिट करिए, पसंद आया तो ही सब्सक्राइब करेगा, वरना कोई सर सब्सक्राइब करने की नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।